वक्त की बड़ी खबर। मदरसा शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा। मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का प्रस्ताव। पिछली परीक्षाओं के अंकों के आधार पर होंगे प्रमोट। यूपी बोर्ड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड भी कर रहा तैयारी। तो जिस तरह से सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई, उसी को लेकर मदरसा बोर्ड ने भी अब प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का प्रस्ताव रखा है। पिछली परीक्षाओं के अंकों के आधार पर होंगे बच्चे प्रमोट। तो अगली बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। चुनाव के बाद से आठवीं बार बढ़ोतरी हुई। चुनाव के बाद पेट्रोल 4.36 रुपए हुआ महंगा, डीजल 4.93 रुपए प्रति लीटर महंगा। तो आज पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 94.76, डीजल 85.66 पैसे हुआ महंगा। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 18वें दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अठारहवीं बार बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में दर्ज की गई। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन कर्मियों के लिए टीकाकरण जरूरी। कर्मियों को सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगा वेतन। प्रबंधन निदेशक ने टीका लगवाने के दिए निर्देश। अगली बड़ी खबर इस वक्त की ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि ब्लैक फंगस का दांतों पर हमला। दिमाग आंखों के बाद अब दांतों पर हमला। केजीएमयू में अब तक 15 मरीजों के दांत निकाले गए। 15 ब्लैक फंगस के मरीजों के दांत निकाले गए। दांत, जीभ और मसूड़ों को साफ रखने की दी सलाह। मुंह की खास सफाई रखने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले आंखों में, नाक में ब्लैक फंगस का खतरा था, उसके बाद पेट में मामला सामने आया था जहां पर ब्लैक फंगस मिला था, उसके बाद अब दांतों में भी ब्लैक फंगस के 15 मरीज मिल चुके हैं। तो मुंह को खास तौर पर साफ रखने की सलाह दी जा रही है। बता दें 15 ब्लैक फंगस के मरीजों के दांत निकाले गए हैं। जीभ, दांत और मसूड़ों को साफ रखने की सलाह दी जा रही है। एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं।